एक्स आर्मी मैन के बेटे को सेना में भर्ती कराने के नाम पर 1,99,000 रुपए लेने के मामले में कैंट पुलिस ने जीआरसी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल एमआईएस के स्टेनो सहित एक अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने मामले में स्टेनो को गिरफ्तार कर लिया है। 8/12/2020 को एक विक्रांत रेडू और कर्नल ईश्वर सिंह के खिलाफ ग्रेनेडियर्स सेंटर से एक शिकायत आई थी जीआरसी से। उन्होंने बताया था कि ये विक्रांत रेणु जो है ये इलीगल तरीके से वहाँ पे था और परीक्षा भर्ती के दौरान रिलेशन परीक्षा भर्ती होती है जो रिटायर्ड पुलिस आर्मी ऑफिसर्स होते हैं उनके बच्चों के लिए स्पेशल रिक्रूटमेंट होता है, उसके संबंध में ये वहाँ पहुँचा था और इस दरमियान उनकी जो इंट्रोगेशन हुआ था उसमें ये पाया गया था कि इसके द्वारा 2,00,000 रुपये अंकित नाम के एक व्यक्ति को भर्ती कराने के लिए लिए गए हैं। जब उसका पूरा जांच की गई उस शिकायत की और जांच पर ये पाया गया कि इनके द्वारा रुपयों का आदान प्रदान सुमित यादव के अकाउंट में हुआ है तो प्रथम दृष्टया ये 420 और 120 भी और इसके अतिरिक्त 7/11 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धाराएं कायम करके इसमें विवेचना सीएसपी महोदय द्वारा की जा रही है। अब अग्रिम जो भी इसमें कार्रवाई होगी वो उसके अनुसार उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।